तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोनिक द हेज़ होंग थ्री के बारे में इस यूनिवर्स के अंदर इसके अंदर जो ये टाइटल है इसके अंदर तकरीबन हमें दो मूवी देखने को मिल चुकी है वैसे तो सोनिक के ऊपर कई सीरीज़ हैं मूवीज़ है कई हमें देखने को मिल चुकी है लेकिन ये इस मूवी का तीसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से यूनिवर्स के बारे में आपको सारे कुछ जानकारी बताया गया और इसका टीजर आउट हो चुका है उससे रिलेटेड आपको सारे कुछ अपडेट बताने वाले वाले हैं हैं और प्री प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में आपको डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं सोनिक दहेज होग तीन एक आगामी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो सेगा द्वारा प्रकाशित वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है और सोनिक दहेज होग दो और सोनिक दहेज होग दो हजार बाईस की अगली कड़ी है जेफ फाउलर द्वारा निर्देशित फिल्म में जेम्स मार्सडेन बेन श्वाटज टीका संपटर कोलिन ओशोघनेसी इद्रीस एल्बा और जिम कैरी अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं तीसरी सोनिक दहेज होग फिल्म की योजना की घोषणा फरवरी 2022 में दूसरी फिल्म की रिलीज से पहले वायाकॉम्सी बी के निवेशक कार्यक्रम के दौरान की गई थी 2023 हजार तेईस सैग आफ्तरा हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए फिल्मांकन जुलाई 2023 में सरे इंग्लैंड में शुरू हुआ जबकि भौतिक अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन उसी वर्ष नवंबर में लंदन में शुरू हुआ सोनिक दहेज होग तीन को 20 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया जाना है ढालना आवाज डाली सोनिक दहेज होग के रूप में बेन श्वाट एक मानव रूपी नीला हेज होग जो सुपरसोनिक गति से दौड़ सकता है तीन माइल्स टेल्स प्रोवर के रूप में कोलिन ओशोग्नेसी एक मानव रूपी पीला नारंगी लोमडी जो अपनी जुड़वा पूछों के साथ उड़ सकती है तीन नक्कल्स द किडना के रूप में इदरीस एल्बा अत्यधिक ताकत वाला एक गर्म दिमाग वाला और गंभीर मानवरूपी लाल इकिडना योद्धा तीन फिल्म में शैडो द हेज होग नाम का किरदार दिखाई देगा चार लाइव एक्शन कास्ट ग्रीन हिल्स मोंटाना के शेरिफ टॉम वाचोवस्की के रूप में जेम्स मार्सडें तीन मैडी वाचोवस्की टॉम की पत्नी और ग्रीन हिल्स के स्थानीय पशु चिकित्सक के रूप में टीका संपटर डॉक्टर रोबोटनिक के रूप में जिम कैरी एक पागल वैज्ञानिक और सोनिक का कट्टर विरोधी जिसे वह अक्सर एक मैन के रूप में संदर्भित करता है तीन एजेंट स्टोन रोबोटनिक के सहायक के रूप में ली मजदूब तीन कमांडर वाल्टर्स के रूप में टॉम बटलर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के पूर्व उपाध्यक्ष जो सैन्य संगठन गार्जियन यूनिट्स ऑफ नेशंस जीएन के नेता हैं मारिया के रूप में एलीला ब्राउन पांच इसके अतिरिक्त क्रिस्टन रिटर जेम्स वॉक सोफिया परनास क्रिस्टो फर्नांडीज और जोर्मा टैकोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया तीन उत्पादन विकास फरवरी 2022 में सेगा सैमी ग्रुप और पैरामाउंट पिक्चर्स सोनिक दहेज होग दो हजार के बाद तीसरी सोनिक दहेज होग दो फिल्म के विकास में लगे थे वायाकॉम सी के निवेशक कार्यक्रम के दौरान फिल्म की औपचारिक घोषणा की गई छे जेफ फाउलर निर्देशक के रूप में लौटे और नील एच मोर्टिस टोबी एशर टोरू नकाहारा और हितोशी उकुनो निर्माता के रूप में लौटे सात पैरामाउंट प्लस के लिए नक्कल्स द इचिडना जो सोनिक द हेज होग दो में दिखाई दी थी अभिनीत एक श्रृंखला को फिल्म के साथ साथ विकसित किया गया था छलाई छ मार्च 2020 को जेम्स मार्सडेन ने पुष्टि की कि उन्होंने कई सीक्वल के लिए साइन किया है आठ अप्रैल 2022 में जिम कैरी जो फ़िल्मों में डॉ रोबोटनिक की भूमिका निभाते हैं ने घोषणा की कि वह अभिनय से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं नौ अपनी संभावित सेवानिवृत्ति के साथ मोरिट्स और एशर ने पुष्टि की कि यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं का पालन करते हैं तो रोबोटनिक के रूप में उनकी भूमिका किसी भी सीक्वल में दोबारा नहीं बनाई जाएगी हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वे भूमिका को जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छी स्क्रिप्ट विकसित कर सकते हैं 10 फरवरी 2024 में आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई कि कैरी फिल्म के लिए अपनी भूमिका को दोहराएंगे साथ मार्सडेन बेन श्वाट्जर, टीका संपटर कोलिन ओशोगनेसी इद्रीस एल्बा ली माजगॉब और टॉम बटलर के साथ तीन क्रिस्टन रिटर एलिला ब्राउन जेम्स वॉक सोफिया परनास क्रिस्टो फर्नांडीज और जोर्मा टैकोन को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया तीन टैकोन को पहले नक्कल्स श्रृंखला के लिए एक एपिसोड निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था ग्यारह फिल्माने दूसरी इकाई का फिल्मांकन जुलाई 2023 के अंत में फ्रनहैम सरे इंग्लैंड में केवल भौतिक अभिनेताओं के बिना 2023 हज़ार तेईस सैग आफ्तरा हड़ताल के कारण एनिमेटेड पात्रों के लिए शुरू हुआ बारह मुख्य फोटोग्राफी मूल रूप से 31 अगस्त 2023 को लंदन इंग्लैंड में शुरू होने वाली थी 13-14 लेकिन उस वर्ष सितंबर तक विलंबित हो गई 15 भौतिक अभिनेताओं के साथ उत्पादन 29 नवंबर 2023 को शुरू हुआ जिसकी घोषणा फिल्मांकन में इस्तेमाल की गई शैडो द हेज हो की स्टैंड इन प्रतिमा की एक टीजर छवि के साथ की गई चार संगीत दिसंबर 2023 में क्रश चालीस गायक जॉनी गियोली ने कहा कि फिल्म में सोनिक एडवेंचर 2 दो हजार के गीत लाइव एंड लर्न को शामिल करने की बात हुई थी 16 जनवरी 2024 में टॉम होल जिन्होंने पहली दो फिल्मों के लिए भी रचना की थी वो फिल्म के लिए लौटने की घोषणा की गई थी सत्रह अगले महीने गियोली ने पुष्टि की कि लाइव एंड लर्न को फिल्म में शामिल किया जाएगा अठारह करना सोनिक दहेज होग तीन को बीस दिसंबर दो हजार चौबीस को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा यह सभी देखें वीडियो गेम पर आधारित फिल्मों की सूची जेफ फाउलर एक अमेरिकी फिल्म निर्माता एनिमेटर और दृश्य प्रभाव कलाकार हैं उन्हें लघु फिल्म गोफर ब्रोक 2004 के लेखक और निर्देशक के रूप में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था एक दो उन्होंने सोनिक दहेज होग 2020 के लाइव एक्शन रूपांतरण के साथ अपने नाटकीय निर्देशन की शुरुआत की और सीक्वल सोनिक दहेज होग दो 2022 और आगामी सोनिक दहेज होग तीन दो का निर्देशन करने के लिए लौट आए तीन चार कैरियर फाउलर 2003 की लघु फिल्म रॉकफिश और 2009 की फिल्म व्हेयर द वाइल्ड थिंग्स आर के लिए एक एनिमेटर थे 2004 में उन्होंने लेखन निर्देशन स्टोरीबोर्डिंग, आर्ट लेआउट और एनिमेटेड गोफर ब्रोक किया उन्होंने ए जेंटलमैंस ड्यूएल भी लिखा और एनिमेटेड किया फाउलर ने 2005 के वीडियो गेम शैडो द हेज होक के लिए सीजीआई फिल्म निर्माण पर काम किया उन्होंने सोनिक द हेज होक का निर्देशन किया जो इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित फिल्म थी यह फिल्म मूल रूप से नवंबर 2019 में रिलीज़ होने वाली थी लेकिन सोनिक के डिज़ाइन की व्यापक आलोचना के कारण डिज़ाइन को बदलने के लिए इसे 14 फरवरी 2020 तक विलंबित कर दिया गया सोनिक का नया डिज़ाइन नवंबर 2019 में सामने आया जिसे प्रशंसकों और आलोचकों से कहीं अधिक सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली फाउलर ने सोनिक द हेज के सीक्वल का निर्देशन किया जिसका शीर्षक सोनिक दहेज होग दो है जो 8 अप्रैल 2022 को रिलीज हुआ। वह द पिंक पैंथर के रिबूट का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं जो विकास में हैं और पायलट एपिसोड का निर्देशन और कार्यकारी टीवी का निर्माण करेंगे शिंखला पोर वह सोनिक दहेज होग तीन का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं जो दिसंबर 2024 में रिलीज होने वाली है बेंजामिन जोसेफ श्वाट जन्म 15 सितंबर 1981 एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं। उन्होंने एनबीसी सिटकॉम पार्क्स एंड रिक्रिएशन में जीन राल्फियो सेपर्स्टीन और शोटाइम श्रृंखला हाउस ऑफ लाइज में क्लाइड ओबरहोल्ट के रूप में अतिथि भूमिका निभाई है रैंडी कनिंगम में रैंडी कनिंगम नौवीं कक्षा निंजा डक टेल्स में डक और राइज ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल में लियोनार्डो ने आवाज दी और कॉलेज ह्यूमर वेब श्रृंखला जेक एंड आमिर में कई बार दिखाई दिए श्वाट ने सोनिक दहेज होग दो हजार बीस सोनिक दहेज होग दो हजार बाईस और सोनिक दहेज होग तीन दो हजार चौबीस में मुख्य किरदार को आवाज दी है उनके फिल्मी करियर में पीप वर्ल्ड में भूमिकाएं भी शामिल हैं एक हर कोई ठीक है अन्य लोग टहलना यही वह जगह है जहां मैं तुम्हें छोड़ता हूं, खड़ा होना गिरना और फ्लोरा और यूलिसिस टेलीविजन पर उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज स्पेस फोर्स दो शून्य दो शून्य दो शून्य दो, दो दो और एप्पल टीवी प्लस मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी सीरीज द आफ्टर पार्टी दो शून्य दो दो शून्य दो, दो तीन में अभिनय किया है उन्होंने नेटफ्लिक्स इंटरेक्टिव स्पेशल वी लॉस्ट अवर ह्यूमन में पुड के रूप में भी आवाज दी दो प्रारंभिक जीवन बेंजामिन जोसेफ श्वार्टीन का जन्म 15 सितंबर उन्नीस सौ चार को द ब्रोंक्सक न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था तीन पांच उनके माता पिता दोनों ब्रोंक्स के मूल निवासी थे छह ब्रोंक्स के उत्तर पश्चिमी भाग के पड़ोस रिवरडेल में श्वार्ट का पालन पोषण किया रियल एस्टेट में जाने से पहले उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे साथ और उनकी मां रिवरडेल के एक प्राथमिक विद्यालय पीएस चौबीस में एक संगीत शिक्षिका थीं। आठ उनकी एक बहन भी है जिसका नाम मार्नी है नौ केविन पोलाक के साथ एक साक्षात्कार में उन्हें कहा जब मैंने लोगों को बताया कि मैं ब्रोंक्स से हूं तो यह ऐसा था क्या आपको गोली के घाव हैं और मैं ऐसा हूं नहीं यह सिर्फ़ मैं हूं और यहूदी लोगों की तरह साथ जब वह ग्यारह वर्ष के थे तो उनका परिवार निकटवर्ती वेस्टचेस्टर काउंटी में एजमोंट न्यूयॉर्क चला गया साथ श्वार्ट्ज़ ने एजमोंट जूनियर सीनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की जहाँ उन्होंने बास्केटबॉल खेला और कोरस में गाया उन्होंने 1999 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की दस इसके बाद उन्होंने यूनियन कॉलेज में दाखिला लिया और 2003 में मनोविज्ञान और मानव विज्ञान में दोहरी डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की ग्यारह कैरियर 2014 में स्वाट टेलीविजन पर श्वाट्ज ने एनबीसी के पार्क्स एंड रिक्रिएशन 12 में जीन राल्फियो से परस्टीन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और शो टाइम शो हाउस ऑफ लाइज में मुख्य भूमिका निभाई एक तीन दो शून्य एक शून्य में श्वार्टज ने एनबीसी के लिए जे जे अब्राम्स के एक घंटे के जासूसी नाटक अंडरक्वर में नियमित बिल होयट की भूमिका निभाई श्वार्ट का HBO के फनी और डाई प्रेजेंट्स पर बेन श्वार्ट के साथ टेरिबल डिसीजन नामक अपना स्वयं का खंड था और वह लोकप्रिय वेब श्रृंखला जेक और अमीर सहित कई कॉलेज ह्यूमर चौदह स्केच में दिखाई दिए हैं श्वार्ट्ज को चार एमीज़ के लिए नामांकित किया गया है और इक्यासीवें अकादमी पुरस्कारों के लिए ह्यू जैकमैन के शुरुआती नंबर के सह लेखन के लिए उत्कृष्ट मूल संगीत और गीत के लिए 2009 का एमी पुरस्कार जीता है पंद्रह श्वार्ट्ज ने रैंडी कनिंगम नौवीं कक्षा निंजा में चौदह वर्षीय नए छात्र और निंजा रैंडी कनिंगम को आवाज दी है जो अपने ग्रहणगर नॉरिसविले को बुरी ताकतों से बचा रहा है सितंबर 2013 में उन्हें पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा उन्नीस की कॉमेडी सोपडिश को फिर से बनाने के लिए काम पर रखा गया था सोलह जिसका नाम बदलकर एल फुएगो कैलिएंट रखा गया और मूल अमेरिकी सोप ओपेरा को एक लैटिन टेलीनोवेला में बदल दिया गया सत्रह जिसमें निर्माता रॉब रेनर और एलन ग्रीसमैन और वह शामिल थे ब्रायन ग्रेजर के एक विचार के आधार पर यूनिवर्सल स्टूडियोज को एक मूल पिच बेची जिसके निर्माण में इमेजिन एंटरटेनमेंट जुड़ा हुआ था वह एडल्ट स्विम के रोबोट चिकन के तीसरे सीजन के लिए एक स्टाफ लेखक थे और उन्होंने स एटरडे नाइट लाइव के वीकेंड अपडेट सेगमेंट के साथ साथ डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो के लिए एक फ्रीलांस लेखक के रूप में काम किया बारह श्वाट ईमानदार नागरिक ब्रिगेड थिएटर यूसीबीटी के पूर्व छात्र हैं बारह वह एडम पैली और गिल ओजेरी के साथ कामचलाव समूह हॉट सॉस के सदस्य थे समूह ने हर महीने यूसीबीटी में अपने दीर्घकालिक कामचलाव शो समथिंग फ्रेश का प्रदर्शन किया उन्होंने और बिल हैडर ने स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस के लिए मुखर सलाहकार के रूप में काम किया 18 श्वाट्ज ने फिल्म में स्टॉर्म ट्रूपर के रूप में एक कैमियो भूमिका भी निभाई उन्नीस 2014 से श्वाट्ज कॉमेडी बैंक के एपिसोड में दिखाई दिए हैं टकराना सोलो बोलो 2014 हजार चौदह सोलो बोलो डॉसलो दो हज़ार सोलो बोलो ट्रोलो दो हज़ार सोलह सोलो बोलो क्वाट्रोलो दो हज़ार सोलह सोलो बोलो सिनकोलो दो हज़ार सत्रह में एकमात्र अतिथि के रूप में पॉडकास्ट सोलो बोलो सोनिकोलो दो हज़ार बीस और सोलो बोलो हल्लोवोलो दो हज़ार इक्कीस लगभग प्रत्येक एपिसोड में वह और मेजबान स्कॉट ऑकरमैन ओलंपिक सॉन्ग चैलेंज में प्रतिस्पर्धा करते हैं बेन कॉमेडी पॉडकास्ट इफ आई वेयर यू आई डी एक ओ टी यू मेड इट वेयर्ड विद पीट होम्स और कॉनन ओब्रायन नीड्स ए फ्रेंड के एपिसोड में भी दिखाई दिए हैं 2017 में श्वार्ट्ज़ ने डक टेल्स के डिज्नी एक्सडी पुनरुद्धार में डेवी डक को आवाज देना शुरू किया बीस श्वार्ट्ज़ को नेटफ्लिक्स के होम एडवेंचर्स विद टिप एंड ओह के 2017 हजार सत्रह एनिमेटेड क्रिसमस स्पेशल होम फॉर द हॉलीडेज में केली क्लार्कसन के साथ खुद के रूप में दिखाया गया है 21 उन्होंने राइज ऑफ द टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल में लियोनार्डो की आवाज दी 22 अगस्त 2018 में श्वाच को 2020 की फिल्म सोनिक द हेज होग में मुख्य किरदार को आवाज देने की घोषणा की गई थी तेईस 26 सितंबर 2019 को यह घोषणा की गई कि श्वार्ट को नेटफ्लिक्स कॉमेडी श्रृंखला स्पेस फोर्स में एफ टोनी स्कारापिडुची के रूप में लिया गया था 24 बेन श्वार्ट ने फिल्म स्टैंडिंग अप फॉलिंग डाउन में बिली क्रिस्टल के साथ सह सा अभिनय किया जो शुरू में 25 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी अप्रैल 2020 में श्वार्ट और साथी कॉमेडियन थॉमस मिडलडिच नेटफ्लिक्स के पहले लॉन्ग फॉर्म इम्प्रोव स्पेशल मिडलडिच और श्वाट में अभिनय किया जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्किरबॉल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में फिल्माए गए घंटे भर के प्रदर्शन की तीन भाग श्रृंखला थी 25 2022 में श्वाटज एप्पल टीवी प्लस मिस्ट्री कॉमेडी सीरीज़ द आफ्टर पार्टी के पहले सीजन के मुख्य कलाकारों में थे उन्होंने सीरीज के 2023 के दूसरे सीजन में अतिथि भूमिका में अपनी भूमिका दोहराई जनवरी 2023 में श्वार्ट्ज अतिथि ने स्टार वार्स द बैड बैच पर एक चरित्र टीएवाई शून्य एक ड्रॉयड को आवाज दी जो सीआईडी के लिए दौड़ में भाग लेता है छब्बीस पुस्तकें श्वार्ट्ज ने चार पुस्तकों का सहलेखन किया है जिनमें से तीन लेखिका अमांडा मैक्कल के साथ हैं ग्रैंडमास डेड ब्रेकिंग बैड न्यूज विद बेबी एनिमल्स हो सकता है कि आपका पैर वापस बढ़ जाए बेबी एनिमल्स के साथ अच्छे पक्ष को देखना और डैडी एक पोशाक में क्यों हैं बेबी एनिमल्स के साथ अजीब सवाल पूछना और लेखक लॉरा मोसेस के साथ डेटिंग के बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए आप एफ किंग इडियट सत्ताईस फिल्मोग्राफी चाबी उन प्रस्तुतियों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया 2007 न्यूयॉर्क सिटी सेरेनेड्रस 2009 रहस्य टीम डॉगी का दोस्त मुझे वैलेंटाइन डे से नफरत है टैमी की तारीख सब ठीक है लेखक 2010 अन्य लोग बीमन के सहायक पीप वर्ल्ड नाथन मेयरविट्स 2013 दो हजार तेरह निशान आवाज कॉफी टाउन गीनो तस्कर तस्कर क्रेग 2014 क्रिसमस की शुभकामना पार्टी अतिथि 2015 में जॉस वेडन द्वारा निर्देशित सुपर हीरो ब्लॉकबस्टर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एल्बा हेंडाल के रूप में दिखाई दी एल्बा ने अब्राहम अत्ता के साथ फिल्म बीस्ट्स ऑफ नो नेशन में भी अभिनय किया जिसका प्रीमियर चुनिंदा थिएटरों और नेटफ्लिक्स पर हुआ उन्होंने किसी भी मोशन पिक्चर में सहायक भूमिका में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन अर्जित किया साथ ही फिल्म श्रेणी में सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार नामांकन भी अर्जित किया 2016 में उनकी कई आवाज़ व आली भूमिकाएं थीं डिज्नी के जूटोपिया में केप बफेलो पुलिस प्रमुख चीफ बोगो गिनिफर गुडविन और जेसन बेटमैन के साथ द जंगल बुक 2016 में खलनायक बाघ शेर खान जॉन फेवरयू द्वारा निर्देशित इसी नाम की उन्नीस की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण और पिक्सर की फाइंडिंग डोरी में समुद्री शेर फ्लूक एलेन डीजेनेरिस और अल्बर्ट ब्रूक्स के साथ दोनों फाइंडिंग निमो दो से अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं उसी वर्ष उन्होंने सीक्वल स्टार ट्रेक बियॉन्ड में मुख्य प्रतिपक्षी क्रॉल की भूमिका निभाई 2017 में उन्होंने स्टीफन किंग फिल्म रूपांतरण द डार्क टावर में रोलैंड डेसचेन की भूमिका निभाई चवालीस द माउंटेन बिटवीन अस और एरोन सॉर्किन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मॉलीज गेम में जेसिका चैस्टेन के साथ अभिनय किया 2019 में एल्बा ने फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की स्पिन ऑफ में खलनायक के रूप में अभिनय किया और एंड्रयू लॉयर्ड वेबर के संगीत कैट्स के टॉम हुपर की फिल्म रूपांतरण में मैकाविटी की भूमिका निभाई चार पांच दो शून्य दो एक में एल्बा ने जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड में भाड़े के रॉबर्ट मिल्टन डुबोइस बटा स्पोर्ट की भूमिका निभाई चार छह दो शून्य दो दो में एल्बा फिल्म सोनिक दहेज होग दो नक्कल्स की आवाज थी जो फिल्म सोनिक दहेज हो की अगली कड़ी थी जो खुद इसी नाम की फ्रेंचाइजी पर आधारित है वह 2024 में पैरामाउंट प्लस के लिए स्वशीर्षक एकल श्रृंखला में भूमिका को फिर से निभाएंगे सैतालीस संगीत दोस्तों इससे पहले दो पार्ट जैसा कि मैंने बताया इसका दूसरा पार्ट आ चुका है वो हमें तकरीबन 2016 में देखने को मिला था अब ये पार्ट है जो कि हमें देखने को मिलने वाला है 20 दिसंबर 2024 जी चौबीस से जी दोस्तों 2024 दो के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा और एक झलक टीजर एक तरह से टाइटल आप इसका बोल सकते हो वो हमें देखने को मिल चुका है और उसकी ये यदि आपको वीडियो देखनी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो बाकी आई बटन पर भी मैं लिंक दे दूँगा और इसी के साथ ही हमें एक तरह से अमेरिका के अंदर और एक साथ ही साथ जापान के अंदर सबसे पहले देखने को मिलेगा इसी के बाद हमें इंडिया के अंदर भी ये मल्टीपल लैंग्वेजों में देखने को मिलने वाली है और इसका एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो एक तरह से रीजिंग हमें यूनिवर्स पिक्चर द्वारा देखने को मिलेगी साथ ही साथ ट्वेंटी सेंचुरी स्टूडियोज़ द्वारा भी और कई जगह पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिले हैं तो ये अलग अलग डेट पर हमें कई जगह देखने को मिलेगी प्लेटफॉर्म अभी डिसाइड नहीं हुआ है रिलीज होने के बाद दूंगा तो दोस्तों इंफॉर्मेशन हो सकी है वो मैंने आपको दी तो आपको वीडियो कैसे लगी अब आगे कास्टिंग के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको देता हूँ जून उन्नीस सौ अस्सी दो एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता है संपटर ने अपने करियर की शुरुआत बेस्ट फ्रेंड्स डेट के होस्ट के रूप में की 2005 से 2010 तक वह डे टाइम सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में दिखाई दी 2010 में उन्होंने स्टॉप द यार्ड होमकमिंग में अपनी फिल्म की शुरुआत की और बाद में वार्ट्स योर नंबर में सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया 2011 स्पार्कल 2012 और ए मैडिया क्रिसमस 2013 2013 से 2021 तक संपटर ने ओन प्राइम टाइम सोप ओपेरा द हैव्स एंड द हैव नॉट्स में कैंडेस यंग के रूप में अभिनय किया उस दौरान उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म राइड अलोंग 2014 और इसके सिक्वल राइड अलोंग 2 2016, बायोग्राफिकल ड्रामा गेट ऑन आप 2014, क्राइम ड्रामा दी ओल्ड मैन एंड द गन 2018 और में अभिनय किया रोमांटिक कॉमेडी नोब्डीज फूल 2018। 2016 में उन्होंने जीवनी पर आधारित रोमांटिक ड्रामा फिल्म साउथ साइड में मिशेल रॉबिन्सन ओबामा का निर्माण और अभिनय किया जिसमें आपको मोशन पिक्चर नामांकन में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए नाप इमेज अवार्ड मिला 2019 से 2021 तक उन्होंने एबीसी कॉमेडी श्रृंखला मिक्सड ईश में अभिनय किया बाद में उन्होंने एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फ़िल्म सोनिक द हेज़ होग बीस इसके 2022 सीक्वल में मैडी वाचोवस्की के रूप में अभिनय किया और आगामी स्पिन ऑफ शो नक्कल्स में दिखाई देने के लिए तैयार हैं प्रारंभिक जीवन सम्पटर का जन्म क्वींस न्यूयॉर्क शहर में हुआ था तीन वह अपने हाई स्कूल में चियर लीडर थी उन्होंने न्यूयॉर्क के मिडिल आइलैंड में लॉन्गवुड सीनियर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मैरी माउंट मैनहट्टन कॉलेज में अध्ययन किया जहां उन्होंने संचार में पढ़ाई की तीन कैरियर दो शून्य 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 दो शून्य एक एक सम्पटर ने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और हेवलेट पैकॉर्ड और लिस् क्लेबोर्न के कर्व सुगंध के विज्ञापनों में दिखाई दी उन्होंने अभिनय से पहले वेट्रेस के रूप में भी काम किया तीन दो हज़ार चार में उन्होंने रियलिटी श्रृंखला बेस्ट फ्रेंड्स डेट के लिए सह मेजबान के रूप में काम किया जिसे निक्लोडियन के बंद हो चुके केबल चैनल द एन पर प्रसारित किया गया था जिसका नाम अब टीनिक है अगले वर्ष उन्हें एबीसी डेटाइम सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में लैला विलियमसन की भूमिका मिली लैला के अपने चित्रण के लिए सम पटर को 2008 में डे टाइम ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नाप्त इमेज अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था वह पहली बार 15 जुलाई 2005 को स्क्रीन पर दिखाई दी चार चौदह सितंबर 2010 तक नियमित रूप से भूमिका निभाती रहीं समपटर 9 दस नवंबर 2010 हजार दस और 21 और 24 जनवरी 2011 को भूमिका में फिर से दिखाई दिए पांच 6, 2010 में सम्पटर ने स्टॉप द यार्ड होमकमिंग में अपनी फिल्म की शुरुआत की और कुछ समय के लिए साल्ट में दिखाई दी जनवरी से मई 2011 तक सम्पटर द सीडब्ल्यू टीन ड्रामा सीरीज गॉसिप गर्ल में रहना थोरपे के रूप में दिखाई दी साथ उन्होंने गायक जेसन डेरुलो के गीत इट गर्ल के वीडियो में उनकी प्रेमिका की भूमिका निभाई आठ दो में वह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म व्हाट्स योर नंबर में दिखाई दी 2011 से 2012 तक उन्होंने बीटी कॉमेडी श्रृंखला द गेम में जेना राइस की आवर्ती भूमिका भी निभाई नौ no. दो शून्य एक दो दो शून्य एक पांच सुप्टर ने संगीत नाटक स्पार्कल में डेलोरिस डी एंडरसन की भूमिका निभाई जो द सुप्रीम्स की कहानी से प्रेरित है द सम्टर को स्पार्कल ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक पर सुना जाता है और सेलिब्रेट के संगीत वीडियो में दिखाई देता है ग्यारह स्पार्कल के बाद उन्होंने स्वतंत्र कॉमेडी फिल्म माई मैन इज ए लूजर में जॉन स्टेमोस के साथ अभिनय किया बारह तेरह फिल्म को लायंस गेट फिल्म द्वारा पच्चीस जुलाई दो हज़ार चौदह को सीमित नाटकीय रिलीज प्राप्त हुई दो हज़ार तेरह में उन्होंने टाइलर पेरी की क्रिसमस कॉमेडी फ़िल्म एमा एडिया क्रिसमस में अभिनय किया चौदह पेरी ने बाद में ओपरा विन्फ्रे नेटवर्क के प्राइम टाइम सोप ओपेरा हैव्स एंड द हैव नॉट्स में सम्पटर को मुख्य किरदार और मुख्य खलनायिका कैंडेस यंग के रूप में लिया पंद्रह सोलह सत्रह यह श्रृंखला ओपरा विन्फ्रे नेटवर्क के लिए एक हिट थी अठारह उन्नीस बीस श्रृंखला का प्रीमियर अट्ठाईस मई दो हज़ार तेरह को हुआ और 20 जुलाई 2021 तक आठ सीजन तक चला 2014 में सम्पटर ने एक्शन कॉमेडी फिल्म राइड अलौंद में केविन हार्ट और आइस क्यूब के साथ सह अभिनय किया इक्कीस बाईस फिल्म ने दुनिया भर में एक सौ तिरपन दो सौ बासठ एक सौ चौरासी की कमाई की तेईस उन्होंने दो हजार सोलह के सिक्वल राइड अलोंग दो में अपनी भूमिका दोहराई मूल फिल्म की तरह इस सीक्वल की अधिकांश समीक्षकों ने निंदा की थी लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अपने नाटकीय प्रदर्शन के दौरान दुनिया भर में 124 डॉलर 6 मिलियन की कमाई की तीसरी फिल्म की घोषणा की गई थी लेकिन फिल्माई नहीं गई थी दो चार दो शून्य एक चार में उन्होंने जेम्स ब्राउन की जीवनी पर आधारित ड्रामा फिल्म गेट ऑन अप में ब्राउन के पूर्व प्रेमियों में से एक यवोन फेयर की भूमिका निभाई पच्चीस छब्बीस उन्होंने 2015 में प्रदर्शित ब्लूज गायिका बेसी स्मिथ की HBO की जीवनी पर आधारित फिल्म बेसी में क्वीन लतीफा मोनिक और खांडी अलेक जेंडर के साथ सा अभिनय किया सत्ताईस 28 2016 वर्तमान सम्प्टर ने बराक और मिशेल ओबामा के बीच शुरुआती रोमांस के बारे में जीवनी पर आधारित रोमांटिक ड्रामा फिल्म साइड विद यू में एक युवा मिशेल रॉबिन्सन की भूमिका निभाई उनतीस तीस फिल्म का प्रीमियर 2016 हज़ार फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली इकतीस सम्प्टर ने फिल्म का निर्माण भी किया बत्तीस फिल्म का प्रीमियर 2016 के संडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ जहां इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली तैतीस अपनी सन्डांस समीक्षा में द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुख्य फिल्म समीक्षक टॉड मैककार्थी ने लिखा पहले सेकंड से ही वह ऑन स्क्रीन आकर्षक टीका संपटर 100 प्रतिशत मिशेल ओबामा हैं जिन्हें जनता ने जान लिया है दुर्जे बौद्धिक रूप से जांच करने वाली और थोड़ा उग्र चौंतीस संपटर को इस प्रदर्शन के लिए मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए गोथम पुरस्कार और एनए इमेज अवार्ड नामांकन मिला पैंतीस संपटर अल्फा कप्पा अल्फा सोरोरिटी का मानद सदस्य है उन्हें 10 जुलाई 2016 को अटलांटा जॉर्जिया में सड़सठवें वार्षिक बाउले में संगठन में शामिल किया गया था छत्तीस दो में संपटर डेविड लोरी द्वारा निर्देशित क्राइम ड्रामा फ़िल्म दी ओल्ड मैन एंड द गन में रॉबर्ट रेडफोर्ड और केसी एफलेक के साथ दिखाई दिए सैंतीस उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए विमेन्स इमेज नेटवर्क अवार्ड नामांकन मिला साथ ही उस वर्ष उन्होंने पैरामाउंट प्लेयर्स के लिए कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म नोग्डीज फूल में अभिनय किया अड़तीस उनतालीस इसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 33 मिलियन डॉलर की कमाई की चालीस अगले वर्ष उन्होंने जो चैपल द्वारा लिखित और निर्देशित राजनीतिक थ्रिलर एक्सेप्टेबल लॉस में अभिनय किया इकतालीस उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा फ़िल्म द नोमैड्स में अभिनय और निर्माण भी किया जिसका प्रीमियर अट्ठाईसवें फिलाडेल्फिया फ़िल्म फेस्टिवल में हुआ था बयालीस दो में सम्पटर को एबीसी कॉमेडी श्रृंखला मिक्स्ड ईश ब्लैक ईश के प्रीक्वल स्पिनऑफ में रेनबो की मां एलिसिया की भूमिका निभाते हुए कास्ट किया गया था चार तीन चार चार दो शून्य दो एक में दो सीजन के बाद श्रृंखला रद्द कर दी गई थी 2020 में उन्होंने वीडियो गेम फ्रैंचाइजी पर आधारित एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म सोनिक दहेज होग में मैडी वाचोवस्की के रूप में अभिनय किया पैंतालीस छियालीस इसने दुनिया भर में तीन सौ उन्नीस मिलियन डॉलर की कमाई की जो दो हज़ार बीस की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई उन्होंने दो हज़ार बाईस के सीक्वल में अपनी भू इका दोहाई जिसने दुनिया भर में चार सौ पांच मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की सैंतालीस एक सीक्वल सोनिक दहेज होग तीन बीस दिसंबर दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ होने वाली है दो हज़ार तेईस में संपटर ने लघु फिल्म नाइट ऑफ के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की जिसका प्रीमियर दो हज़ार तेईस फिल्म फेस्टिवल में हुआ 48 स्टारस कॉमेडी सीरीज़ रन द वर्ल्ड के दूसरे सीजन में उनकी आवर्ती भूमिका थी उन्होंने स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म द अंडर में स्नूप डॉग के साथ अभिनय किया जो एम द्वारा 26 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली है पचास व्यक्तिगत जीवन 8 अक्टूबर 2016 को संपटर ने अपनी बेटी एला लोरेन को जन्म दिया 1951 जनवरी 2017 में ने घोषणा की कि वह अपने द हैव्स एंड द के सह कलाकार निकोलस जेम्स से जुड़ी हुई है 52 इस जोड़े ने 2022 में शादी की ग्रिसा अकुना एल्बा ओबी बटा डी आर एस बटा जन्म 6 सितंबर उन्नीस एक अंग्रेजी अभिनेता रैपर गायक और डीजे हैं लंदन में नेशनल यूथ म्यूजिक थिएटर के पूर्व छात्र उन्हें एच बी ओ सीरीज द वायर दो शून्य शून्य दो दो शून्य शून्य चार में स्ट्रिंगर बेल BBC वन सीरीज लूथर दो शून्य एक शून्य दो शून्य एक नौ में डीसीआई जॉन लूथर और नेल्सन मंडेला सहित भूमिकाओं के लिए जाना जाता है जीवनी पर आधारित फिल्म मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दो हजार तेरह लूथर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एम की पुरस्कार के लिए चार नामांकन प्राप्त हुए जिनमें से उन्होंने एक जीता तीन चार पांच। एल्बा अमेरिकन गैंगस्टर 2007, हज़ार सात दो, हजार दो हजार और प्रोमेथियस 2012 में दिखाई दी उन्होंने थॉर 2011 से शुरू होकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में हेमदाल और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में सेट द सुसाइड स्क्वाड 2021 में ब्लड स्पोर्ट की भूमिका निभाई उन्होंने पैसिफिक रिम 2013, बीस्ट्स ऑफ नो नेशन 2015 में भी अभिनय किया जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब और बाफ्ता नामांकन और मॉलीज गेम 2017 मिला उनकी अन्य प्रमुख भूमिकाओं में से एक पश्चिमी फिल्म द हार्डर डे फॉल 2021 में रूफस बक्की भूमिका थी एल्बा ने जूटोपिया द जंगल बुक फाइंडिंग डोरी सभी 2016 हजार और सोनिक दहेज हो दो हजार बाईस में भी पात्रों को आवाज दी है उन्होंने यार्डी 2018 के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की छ 2016 में एल्बा को टाइम 100 की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया था सात मई 2019 तक उनकी फ़िल्मों ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 9.8 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है जिसमें उत्तरी अमेरिका में 3.6 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई शामिल है आठ जहां वह शीर्ष 20 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं नौ अभिनय के अलावा एल्बा डीज़े बिग ड्रेस या इद्रीस उपनाम के तहत एक डीज़े के रूप में और एक आर एंड बी गायक के रूप में प्रदर्शन करती है दस ग्यारह प्रारंभिक जीवन दृसा अकुना एल्बा का जन्म 6 सितंबर उन्नीस सौ बहत्तर को बारह लंदन बरो ऑफ हैकनी में हुआ था तेरह विंस्टन एल्बा एक सियरा लियोनियन क्रियोल व्यक्ति जो फोर्ड डेगनेहम संयंत्र में काम करता था और ईव एक घाना की महिला चौदह बारह उनके माता पिता की शादी सियेरा लियोन में हुई थी और बाद में वे लंदन चले गए पंद्रह एल्बा का पालन पोषण हैकनी और ईस्ट हैम में हुआ सोलह कैनिंग टाउन के स्कूल में उन्होंने अपना पहला नाम छोटा करके इदरीस रख लिया जहां वे पहली बार अभिनय में शामिल हुए वह उन्हें पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दस्ट एज को देते हैं इसमें एक नाटक का विज्ञापन देखने के बाद उन्होंने ऑडिशन दिया और बाद में भूमिका निभाते हुए अपने पहले एजेंट से मिले एक सात एक नौ आठ छः में उन्होंने अपने चाचा के विवाह डीजे व्यवसाय में मदद करना शुरू किया एक साल के अंदर ही उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की डीजे कंपनी शुरू कर ली थी बारह एल्बा ने थोड़े समय के लिए बार्किंग और डेगनेहम कॉलेज में दाखिला लिया एक आठ एक नौ आठ आठ में स्कूल छोड़ दिया और एक हज़ार पांच सौ पाउंड के प्रिंस ट्रस्ट अनुदान के बाद राष्ट्रीय युवा संगीत थिएटर में जगह बनाई उन्नीस अपने शुरुआती करियर में भूमिकाओं के बीच खुद का समर्थन करने के लिए उन्होंने फोर्ड डेगनेहम में टायर फिटिंग कोल्ड कॉलिंग और रात की पाली सहित विषम नौकरियों में काम किया बीस किशोरावस्था के दौरान उन्होंने डीजे उपनाम बिग ड्रेस के तहत नाइट क्लबों में काम किया लेकिन बीस के दशक की शुरुआत में उन्होंने टेलीविजन भर उमिकाओं के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया बारह कैरियर टेलीविजन एल्बा की पहली अभिनय भूमिका क्राइम वॉच हत्या पुनर्निर्माण में थी और उन्नीस सौ चौरानवे में वह द बूट स्ट्रीट बैंड नामक बीबीसी बच्चों के नाटक में दिखाई दिए उन्नीस सौ पंचानवे में उन्हें ब्रैमवेल नामक श्रृंखला में पहली महत्वपूर्ण भूमिका मिली जो एक हज़ार आठ सौ नब्बे के दशक के इंग्लैंड पर आधारित एक मेडिकल ड्रामा था उन्होंने सीजन एक के एक, एक एपिसोड में एक केंद्रीय किरदार निभाया था चार्ली कार्टर नाम का एक अफ्रीकी छोटा चोर जिसने प्रसव के दौरान अपनी पत्नी को खो दिया था और उसे यह पता लगाना था कि वह अपनी नवजात बेटी का भरण पोषण कैसे करेगा उनकी पहली नामांकित भूमिका उन्नीस सौ पंचानवे में आई जब उन्हें एब्सोल्यूटली फैबुलस के सेक्स एपिसोड में एक जिगोलो के रूप में चुना गया था इसके बाद ब्रिटिश टेलीविजन पर कई सहायक भूमिकाएं निभाई गईं जिनमें द बिल और रूथ रेंडेल मिस्ट्रीज जैसी श्रृंखलाएं शामिल थीं वह सोप ओपेरा फैमिली अफेयर्स 12 के कलाकारों में शामिल हो गए और टेलीविज़न धारावाहिक अल्ट्रावायलेट और बाद में डेंजर फील्ड में दिखाई दिए 21 इसके तुरंत बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर जाने का फ़ैसला किया बारह वह टेलीविज़न भूमिका के लिए कभी कभी इंग्लैंड लौटते थे जैसे कि इंस्पेक्टर लिनली मिस्ट्रीज में से एक में भूमिका 2001 में एल्बा ने न्यूयॉर्क शहर में ट्रोइलस और क्रेसिडा के एक स्टेज प्रोडक्शन में अकिलिस की भूमिका निभाई बारह उन्नीस में उन्होंने साइलेंट विटनेस की दूसरी श्रृंखला ब्लड स्वेट एंड टीयर्स के पहले दो एपिसोड में अभिनय किया लॉ एंड ऑर्डर के 2001 एपिसोड में सहायक भूमिका निभाने के बाद एल्बा को 2002 हजार दो एचबीओ नाटक श्रृंखला द वायर में एक अभिनीत भूमिका मिली 2002 से 2004 तक एल्बा ने श्रृंखला में रसेल स्ट्रिंगर बेल की भूमिका निभाई जो शायद संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका थी 2005 में उन्होंने रवांडा नरसंहार के बारे में एक एचबीओ फिल्म कभी कभी अप्रैल में कैप्टन ऑगस्टिन मुगांजा की भूमिका निभाई एल्बा 2007 हजार सात स्पेशल ब्लैकमैन द ट्रूथ में दिखाई दी बाईस वह बोत्सवाना में फिल्माए गए नंबर एक लेडीज डी टेक्टिव एजेंसी में चार्ली गोट्सो के रूप में दिखाई दिए तेईस इस श्रृंखला का प्रीमियर 23 मार्च 2008 हजार आठ ईस्टर रविवार को बीबीसी वन पर हुआ जिसे छह दशमलव तीन मिलियन दर्शकों और दर्शकों की सत्ताईस परसेंट हिस्सेदारी प्राप्त हुई चौबीस जनवरी 2009 में वैरायटी ने बताया कि एल्बा एनबीसी के दी ऑफिस के लिए डंडर मिफ्लिन के क्षेत्रीय प्रबंधक माइकल स्कॉट स्टीव कैरेल के नए प्रतिद्वंद्वी चार्ल्स माइनर का किरदार निभाएंगे तेईस एल्बाबाद में 2009 सीजन में छह एपिसोड की कहानी के साथ साथ सीजन के समापन में भी दिखाई दी तेईस सितंबर 2009 में उन्होंने छह भाग वाली बीबीसी टेलीविजन श्रृंखला लूथर में मुख्य भूमिका निभाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो मई 2010 में प्रसारित हुआ चार वह 2010 में शोटाइम के द बिग सी में दिखाई दिए 25 पर पंद्रह जनवरी 2012 को प्रसारित उनहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में एल्बा ने बीबीसी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ लूथर में अपनी भूमिका के लिए टेलीविज़न के लिए बनी सीरीज़ मिनी सीरीज़ या मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता चार अप्रैल 2018 में यह घोषणा की गई कि एल्बा को नेटफ़्लिक्स कॉमेडी श्रृंखला टर्न अप चार्ली में चार्ली के रूप में लिया गया था छब्बीस इसका प्रीमियर पंद्रह मार्च दो हजार उन्नीस को हुआ और एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया सत्ताईस उन्होंने अर्धात्मक कॉमेडी इन द लॉन्ग रन भी बनाई और उसमें अभिनय भी किया 28 फिल्में दो हजार आठ टोरंटो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रॉकनरोला के कलाकारों के साथ एल्बा पिछली पंक्ति मध्य कोलिन एन ओशोघने जन्म 15 सितंबर 1971 एक एक अमेरिकी आवाज अभिनेत्री हैं उन्हें डिजीमोन एनिमे में सोरा ताकेनोची डैनी फैंटम में जैस फैंटन द एवेंजर्स अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज़ में वास्प और नारुतो एनिमे में इनो यामाना का और कोनोहमारू सरुतोबी की आवाज के रूप में जाना जाता है 2014 से ओशोगनेसी सोनिक दहेज होग फ्रेंचाइज में माइल्स टेल्स प्रोवर की आवाज़ रही है एक भूमिका जिसे उन्होंने इसके तीन लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरणों में दोहराया था दो तीन प्रारंभिक जीवन ओशोगनेसी का जन्म 15 सितंबर 1971 को ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन में हुआ था और उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय से संगीत थिएटर में बी की डिग्री हासिल की एक चार कैरियर गैलेक्सी कॉन दो हजार बाईस में ओशोग्ने सी गैलेक्सी कॉन दो हजार बाईस में ओशोग्ने वह शायद डिजीमोन के पहले और दूसरे सीजन में सोरा ताकेनोची उनकी पहली प्रमुख वॉयसओवर भूमिका डैनी फैंटम में जैस फेंटन नारुतो में इनो यामाना का और कोनोहामारू सरुतोबी ब्लीच में नेलियल तू ओडेल सचवांग और जेनेट वैन के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं एवेंजर्स में डायन बटावास्प पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली नायक पांच उन्होंने वीडियो गेम उद्योग में भी काम किया है जहां उन्होंने टेल्स ऑफ सिम्फोनिया में जेनिस सेज और जेनोसागा एपिसोड टू जेनसिट्स वॉन गट एंड बोस में केओएस एमओएस को आवाज दी है क्रमशः 2010 और 2014 से वह सोनिक दहेज होग श्रृंखला में बी और माइल्स टेल्स प्रोवर की आवाज रही हैं पांच उन्होंने डिजीमोन एडवेंचर ट्राई मूवी श्रृंखला के लिए सोरा ताकेनोची की अपनी भूमिका दोहराई पांच व्यक्तिगत जीवन 2018 तक वह अपने पति जेसन विलार्ड और अपने दो बच्चों के साथ लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में रहती हैं बेटा कॉनर जन्म 2001 और बेटी मैगी जन्म 2004 फिल्मोग्राफी एनिमे बी दमन क्रॉसफायर सुमी इनाबा लड़ाई बी दमन असदो ब्लैक जैक करेन अरामिस ब्लीच हिनाको शिजो नेलियल तू ओडेल सचवांक लोली एवर ने मिचिरो ओगावा यूची शिबाता क्योको को हैडा ब्लीच हजार साल का रक्त युद्ध नेलियल तू ओडेल सचवांक लोली एवर ने ब्लू ओझा क्रैम स्कूल गर्ल्स ए सात घोस्ट बॉय ईपी बारह बोरुतो नारुतो अगली पीढ़ी चोचो अकीमिची हनाबी भी इनो यामाना का बंदो आवारा कुत्ते मार्गरेट मिशेल डिजीमोन एडवेंचर सोरा ताकेनोची एडवेंचर शून्य दो सोरा ताकेनोची डिजीमोन डेटा स्क्वाड योशिनो योशी फुजिदा डिजीमोन फ्यूजन एंजी हिनोमोटो मोनिटामोन डायनासोर्स दो हजार किरा ईपी 16 सोलह ड्रिफ्टिंग ड्रेगन वाना बेले द्वंद्व मास्टर्स मिमी तसोगारे केवल सीजन दो और तीन ग्लिटर फोर्स केलसी बटा ग्लिटर सनी शैडो सनी एपिसोड अड़तीस प्रारंभिक डी प्रथम चरण साउरी एक बारह और तेरह टोकियो पॉप डब, के अन्ना कुशिना सकुरा असामा फ्लोडिया वीसमैन सात के कैशी यूरिना कांडा योमी कसुगा मार्स डेब्रेक एनोरा टैफ्ट मार्वल फ्यूचर एवेंजर्स फ्राइडे ब्लैक माम्बा आठ ब्लेस की मिराज साउरी मोबाइल सूट गुंडम दी ओरिजिन आर्टेसिया सोम डेकुन बटा साइला मास नौ अक्टूबर दो हजार ग्यारह मोबाइल सूट गुंडम यूनिकॉर्न अतिरिक्त आवाजे राक्षस विन नैप एक खलनायक के रूप में मेरा अगला जीवन सभी रास्ते विनाश की ओर ले जाते हैं मैरी हंट बारह नारु तो इनो यामाना भी। नारुतो शिपुडेन इनो यामाना का कोनोहा मारू सरुतोबी हनाबी ए। एक सौ छियासठ कावरी फुरोफुकी एक सौ छियासी नियर ऑटोमेटा वर एक डॉट एक कमांडर तेरह नोडेन कैंटाबिले की ओरामिकी ओवरमैन किंग गेनर सारा कोडामा सेलर मून थेटिस एप बारह अर्थात डब मीसयामा एप बावन अर्थात डब यू एंडोकाई एप एक सौ सत्रह अर्थात डब कातिलों की क्रांति पोकोटा स्लेयर्स इवोल्यूशन आर पोकोटा सोमाली और वन आत्मा प्रालिंग कि किज़िमुना स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन टू एंडो ईपी सत्रह टेनकाई नाइट्स सुश्री फिनविक अतिरिक्त आवाजे द ऑर्बिटल चिल्ड्रेन हिरोशी तनेगाशिमा टोक्यो पिक डिजी लिजी वैम्पायर नाइट श्रृंखला सीरेन अतिरिक्त आवाजे वांड्रेड सीरोन जैच बेल सूजी मिजुनो रोब्नोस एनिमेशन द एडवेंचर्स ऑफ किड डेंजर 2018 मेनू बोर्ड द एवेंजर्स अर्थस माई हीरोज दो शून्य एक शून्य दो शून्य एक दो वास्प चौदह वेपर वालकिरी कैसेंड्रा लैंड फीमेल कांग बबल एवर फ्री सफी डैनी फैंटम जैस फैंटन मिकी फ्लाइट अटेंडेंट लड़की एक लड़की तीन लड़की अलार्म आवाज स्पेंडेक्स पहने छात्र नर्ड गर्ल एक वाला दो विद अतिरिक्त आवाजें पंद्रह डॉक्टर मैकस्टफिन अचार एग्नेस मॉम टाउनसपर्सन द फिक सिमका मॉम ल्यूबोव और येग्रे स्वतंत्रता सेनानी दरे श्रीमती टेरिल हनाजुकी खजानों से भरपूर छोटा सपने देखने वाला लाल हेमका ला का। डेमेट्री मार्टिन के साथ महत्वपूर्ण बातें महिला दर्शक जोना हेक्स मोशन कॉमिक्स अतिरिक्त आवाजे कमरा चार सौ दो के बच्चे पोली मैरी एलेन डॉन लेगो स्कूबी डू नाइट टाइम टेरर वांडा ग्रिमसली पंद्रह जुनिपर ली का जीवन और समय जोड़ी इरविन रांचेल इरविन तीन मिसेस फॉलन मिसेस इरविन स्लिम तीन दो अटेंडेंट मॉल मैनेजर एक क्लियोटा इंटरकॉम सिटीजन एस्ट्रोनॉट मार्गी मार्बिन फोटोग्राफर सह कार्यकर्ता दो अतिरिक्त आवाज़ें ठीक है को लेट्स बी हीरोल्स लेट्स मीट सोनिक सोलर पिंकफॉन वंडर स्टार पिंकफॉन याद्रिज कार्टून टिफनी माँ किट कुछ बच्चे छोटी लड़की प्रतिस्थापन द लिज स्विफ्टी सोनिक बूम टेल्स दो साउथ पार्क करेन मैककॉर्मिक विशेष एजेंट ओसो जेक की माँ साफ करने का लाइसेंस जेड की माँ उसके चचेरे भाई के विशेष सलाद पर नादिया की माँ केवल नींद भरी आंखों के लिए स्टेटिक शॉक नाइटिंगेल बटागे नया क्या है स्कूबी डू सेलिया क्लाइड जिंगल गैलानास फ्रेंड्स सत्रह अठारह उन्नीस एंडी के साथ क्या है लोरी मैकेनी दो शून्य शून्य एक दो शून्य शून्य दो फिल्म एक्सल द बिगेस्ट लिटिल हीरो दो हजार तेरह जोनो ब्लीच मेमोरीज ऑफ नोबडी दो हजार छह स्टोर कीपर बोरुतो नारुतो द मूवी 2015 इनो यामाना का कार्स 2006 हजार छ ड्रम डिजीमोन एडवेंचर शून्य दो डायबोरोमोन का बदला सोरा ताकेनोची डिजीमोन द मूवी सोरा ताकेनोची पुरुष छात्र चार साल बाद खंड डिजीमोन एडवेंचर थ्री सोरा ताकेनोची श्रीमती मोचीजुकी टैपिरमोन डिजीमोन एडवेंचर लास्ट इवोल्यूशन की जुना सोरा ताकेनोची, नोची द फिक्सीज टॉप सीक्रेट सिमका और मॉम ल्यूबो हॉर्टन हीयर्स एहू दो हजार आठ एंजेला अतिरिक्त आवाजे द लास्ट नारुतो तो द मूवी हनाबी ह्युगा इनो यामाना का कोनोहा मारू सरुतोबी पंद्रह लेडीबग एंड कैट नॉयर द मूवी एमिली एग्रेस्टे मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी अतिरिक्त आवाजे हत्या और कॉकटेल सारा नारुतो शिपुडेन द मूवी द विल ऑफ फायर इनो यामाना का द ऑर्बिटल चिल्ड्रेन हिरोशी तनेगाशिमा पेंटिंग हार्लेक्विन ओको इन सुजुकी पार्टी सेंट्रल म करेन अतिरिक्त आवाजे रोड टू निंजा नारुतो द मूवी इनो यामानाका सेलर मून सुपर एस द मूवी परले बटा सेलर मून सुपर एस प्लस अमी का पहला दहेज होग 2020 तेल्स 20। सोनिक दहेज होग दो 2022 तेल्स 21। सोनिक दहेज होग 3 2024 तेल्स स्पिरिटेड अवे अतिरिक्त आवाजें टॉय स्टोरी 3 2010 अतिरिक्त आवाजे वायलिट एवर गार्डन इटर्निटी एंड द ऑटो मेमोरी डॉल इसबेला यॉत वायलिट एवर गार्डन द मूवी अतिरिक्त कलाकार विंग्स क्लब द मिस्ट्री ऑफ द एबिस दो हजार चौदह ओमनिया वीडियो गेम अल्फा प्रोटोकॉल मेडिसन सेंट जेम्स ब्लीच श्रृंखला नेलियल टू ओडेल सचवान कुकी रन किंगडम पेस्ट्री कुकी पंद्रह टेस्ट कुकी डिजी वर्ल्ड डेटा स्क्वाड योशिनो फुजिदा रनवे ए रनवे बी पंद्रह दर्ज ऑफ़ फाइनल फैंटेसी सेवन आकस्मिक पात्र बाईस डिज्नी इन्फिनिटी मार्वल सुपर हीरोज वास्प तेईस डिज्नी इन्फिनिटी तीन दशमलव शून्य अतिरिक्त आवाज़ें चौबीस डिज्नी प्रिंसेस पैलेस पेट समर एवर क्वेस्ट टू एमिसरी मिलिया रिडीमेबल गद्दार मानव अलाना फ्रेरा मैडा ट्यूडर्स बार्टेंडर इनकी पर फीमेल गुड एंड एविल रिकॉर्डिंग एक केरन रबन यानारी साइलन नाइला डिग्स फॉल आउट चार सिल्विया कूपर अंतिम काल्पनिक सेवन रिमिक अतिरिक्त आवाजें अंतिम काल्पनिक थर्टीन को के निवासी पच्चीस अंतिम काल्पनिक थर्टीन दो अतिरिक्त आवाजें अग्नि प्रतीक तीन घर क्रोनिया मोनिका वॉन ओट्स पंद्रह प्रतीक योद्धा तीन आशाए क्रोनिया मोनिका वॉन ओट्स पंद्रह फायर एम्बलम एंगेज जीन पंद्रह गिल्ड वार्स दो महिला असुर खिलाड़ी चरित्र हर्थस्टोन अतिरिक्त आवाजें हिटमैन वैलेरी सेंट सेंटक्लेयर अतिरिक्त आवाजें लापुसेले रणनीति अलॉयट छब्बीस लेगो आयाम माइल्स टेल्स प्रोवर लाइटनिंग रिटर्न्स। फाइनल फैंटेसी थर्टीन अतिरिक्त आवाजें सत्ताईस खोया हुआ निर्णय कुनिको पंद्रह मार्वल हीरोज जूलिया कारपेंटर बटा अर्चेन वास्प बटा जेनेट वन मेटल गियर सॉलिड चार देशभक्तों की बंदूकें सैनिक अट्ठाईस नारुतो श्रृंखला इनो यामाना का मारू सुनामी हनाबी युगा पंद्रह साइकोनॉट्स निस् लुटेफिस्क और क्रिस्टल फ्लावर्स स्नगराश व्यक्तित्व पांच स्ट्राइकर अकाने हसेगावा पंद्रह रेड निंजा सम्मान का अंत अतिरिक्त आवाजें दुष्ट आकाश गंगा मार्क पोकाचियो शेनम्यू थ्री अतिरिक्त कलाकार सोनिक दहेज होग श्रृंखला माइल्स टेल्स प्रोवर 2014 वर्तमान चार्मीबी बी 2010 वर्तमान बूम वीडियो गेम टेल्स फायर आइस गीतिका का उदय दिखरा हुआ क्रिस्टल सोनिक देश दो रंग चार्मी केवल निंटेंडो डीएस संस्करण मैगी ओकॉनर के रूप में श्रेय दिया गया पीढ़िया चार्मी केवल कंसोल बटा पीसी संस्करण मैगी ओकॉनर के रूप में श्रेय दिया गया बलपूंछ आकर्षक अतिरिक्त आवाजें सीमाएं पूछें रियो 2016 हजार ओलंपिक खेलों में मारियो और सोनिक टेल्स टीम सोनिक रेसिंग टेल्स साउथ पार्क साउथ पार्क द फ्रैक्चर्ड बट होल द न्यू किड्स मॉम के करेन मैकॉर्मिक साउथ पार्क द स्टिक ऑफ ट्रूथ द न्यू किड्स मॉम के करेन मैकॉर्मिक स्पाइडरमैन छत पर गुम्पर्स वाली महिला निकटून्स ग्लब्स ऑफ डूम जैस फेंटन की विशेषता वाले स्पंजबॉब पैंट स्टार वार्स दी ओल्ड रिपब्लिक अतिरिक्त आवाजें सिम्फोनिया की कहानियां सेज कल्पना की मीनार हुमा वालकेरिया क्रॉनिकल्स एलिसिया मिल्च वालकेरिया क्रॉनिकल्स टू एलिसिया गुंथर वाइल्ड स्टार ड्रूसेरा प्रोफेसर गोल्ड यूरिया कैसियन महिला महिला उन्तीस जेनोसागा एपिसोड टू जेनसिट्स वॉन गट एंड बोस्कोस एमओएस पंद्रह जैच बेल ममोडो फ्यूरी सुजी मिजुनो रोग्नोस एक नौ सात सात एक नौ आठ तीन टोरंटो में प्रारंभिक प्रभाववादी कार्य कैरी का पहला स्टैंड अप कॉमेडी अनुभव 1977 में 15 साल की उम्र में हुआ जब उनके पिता ने उन्हें एक स्टेज एक्ट तैयार करने में मदद करने की कोशिश की जिससे उन्हें हाल ही में खुले युग युग कॉमेडी क्लब में एक रात का संचालन करने के लिए टोरंटो शहर जाना पड़ा चर्च स्ट्रीट पर सामुदायिक केंद्र पांच के बेसमेंट से एक सप्ताह के लिए बाहर सत्रह उन्नीस प्रदर्शन के लिए कैरी ने अपनी पोशाक एक पॉलिएस्टर अवकाश सूट को अपनी माँ द्वारा चुना था जिन्होंने तर्क दिया था कि डीन मार्टिन सेलिब्रिटी रोस्ट पर वे इसी तरह से कपड़ पहनते हैं बीस सत्रह प्यूबसेंट कैरी के पारंपरिक प्रतिरूपण विफल हो गए जो एक कर्कश हास्य संवेदना वाले क्लब के लिए अनुपयुक्त साबित हुए और उन्हें एक पेशेवर मनोरंजनकर्ता के रूप में उनकी क्षमता के बारे में संदेह हुआ सत्रह दशकों बाद कैरी के स्टैंड अप डेब्यू को याद करते हुए युग युग के मालिक मार्क ब्रेस्लिन ने इसे खराब रिच लिटिल के रूप में वर्णित किया सत्रह उनके परिवार के वित्तीय संघर्षों के कारण कैरी की शो व्यवसायिक महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करना उनके लिए कठिन हो गया आखिरकार परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और वे जैक्सन पॉइंट में एक नए घर में चले गए उन्नीस इक्कीस अधिक घरेलू स्थिरता के साथ कैरी उन्नीस सौ उनासी में एक अधिक शानदार अभिनय के साथ मंच पर लौटे जिसके कारण उनका पहला भुगतान कार्यक्रम हुआ एक रिपोर्टेड कैन के लिए स्कारबोरो में राजमार्ग 48 पर है लॉफ्ट क्लब में 20 मिनट का स्थान द पिग एंड विसल के मदर ऑफ परल कलाकार के साथ एक बिल पर 20 डॉलर का मुआवजा बाईस उन्होंने जल्द ही अपने डर का सामना किया और शहर में दो साल पहले अपनी पराजय के स्थान पर वापस चले गए युग युग जो इस बीच फैशनेबल यॉर्कविले जिले में बे स्ट्रीट पर एक स्थायी स्थान पर चला गया था थोड़े ही समय में सत्रह वर्षीय खिलाड़ी क्लब में ओपन माइक नाइट्स से लेकर नियमित भुगतान वाले शो में चला गया और इस प्रक्रिया में उसने अपनी प्रतिष्ठा बनाई एक इम्प्रेशनिस्ट स्टैंड अप कॉमिक के रूप में स्थानीय टोरंटो क्षेत्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता के समानांतर कैरी ने स्केच कॉमेडी में प्रवेश करने की कोशिश की एनबीसी के सैटरडे नाइट लाइव के उन्नीस सौ सीजन के लिए एक कलाकार बनने के लिए ऑडिशन दिया अंत शो के नए कार्यकारी निर्माता जीन डूमैनियन द्वारा कैरी का चयन नहीं किया गया जिन्होंने इसके स्थान पर 31 वर्षीय चार्ल्स रॉकेट को चुना तेईस दशकों बाद खुद को हॉलीवुड फिल्म स्टार के रूप में स्थापित करने के बाद कैरी मई उन्नीस सौ छियानवे जनवरी दो हजार ग्यारह और अक्टूबर दो हजार चौदह में शो की मेजबानी करेंगे चौबीस पच्चीस सैटरडे नाइट लाइव नहीं मिलने के बाद कैरी ने बहुभाषी टेलीविज़न एम के रूप में ब्रांडेड सी एफ एम टीवी चैनल पर स्थानीय स्तर पर प्रसारित होने वाले एक रात के कार्यक्रम द ऑल नाइट शो में क्लच कार्गो प्रेरित बिट्स का प्रदर्शन करते हुए एक आवाज़ अभिनय की नौकरी की छब्बीस फरवरी उन्नीस में टोरंटो शहर और आसपास के शहरों में विकृत छापों के अपने स्टैंड अप अभिनय को जारी रखते हुए उन्नीस वर्षीय कैरी को दो शो के लिए बैरी के रॉक्सी थिएटर में रॉक बैंड गोडो के लिए शुरुआती अभिनय के रूप में बुक किया गया था लगातार रातों पर रॉक भीड़ ने उन्हें मंच के बाहर डांटा और उन्होंने दूसरी रात लौटने से इनकार कर दिया सत्ताईस हालांकि दो हफ्ते बाद युक युग में कैरी के एक स्पॉट की समीक्षा सैमी डेविस जूनियर की स्टेज इंप्रेशन करते हुए उनकी एक बड़ी तस्वीर के साथ टोरंटो स्टार में उसके मनो रंजन अनुभाग के पहले पन्ने पर दिखाई दी लेखक ब्रूस ब्लैकार्डर जीवन में आने वाले एक वास्तविक सितारे के बारे में बात कर रहे हैं अट्ठाईस उनतीस बैरी एक जामिनर में एक संक्षिप्त उल्लेख को छोड़कर यह पहली बार था जब कैरी को महत्वपूर्ण मुख्यधारा कॉरपोरेट मीडिया कवरेज मिला और कनाडा के सबसे अधिक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में से एक में शानदार प्रशंसा ने उनके प्रभाववादी स्टैंड अप एक्ट की मांग पैदा कर दी देश उनतीस बाईस अप्रैल उन्नीस में वह टेलीविजन स्टैंड अप शो इन इवनिंग एट द इम्प्रोव के एक एपिसोड में दी खाई दिए तीस उस गर्मी में उन्हें इंट्रोड्यूसिंग जेनेट में मुख्य भूमिकाओं में से एक मिली जो एक टीवी के लिए बनी फिल्म थी जिसका प्रीमियर सितंबर 1981 में सी बी सी पर हुआ था और कनाडा में इसके पहले प्रसारण के लिए 10 लाख से अधिक दर्शक आए थे इकतीस एक संघर्षशील प्रभाववादी हास्य कलाकार टोनी मैरोनी की भूमिका निभाते हुए यह कैरी की पहली अभिनय भूमिका थी फ़िल्म को मिले सीबीसी प्रमोशन के साथ साथ देशभर में इसकी उच्च दर्शक संख्या ने देश में युवाओं की हास्य स्थिति को और मज़बूत कर दिया कई वर्षों बाद जब फ़िल्म ने अपना सीबीसी रिपीट रन पूरा किया तब तक वीएचएस पर होम वीडियो रिलीज़ के लिए इसका शीर्षक बदलकर रबरफिस कर दिया गया था ताकि विस्तृत विकृतिकरण छापों के लिए कॉमिक की स्थापित प्रमुखता का लाभ उठाया जा सके इकतीस संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक कॉमेडी क्लब में उपस्थिति दर्ज कराते हुए कैरी पर हास्य अभिनेता रॉडनी डेंजरफील्ड की नज़र पड़ी जिन्होंने कैरी को अपने दौरे के प्रदर्शन की शुरुआत के लिए साइन किया दिसंबर 1981 तक कनाडा में एक प्रसिद्ध कॉमिक टोरंटो स्टार ने कैरी के बारे में बताया कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्क परमिट की प्रतीक्षा कर रहे थे जॉनी कार्सन के टू नाइट शो से दिलचस्पी मिली थी जो कि कनाडा से उनकी प्रतिष्ठा से काफी कम थी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सोनी की इस अपकमिंग मूवी के बारे में बात करी और इससे पहले कई पार्ट और कई सीरीज आ चुकी हैं यदि आपको उन पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में